सारी दुनिया से सबसे बेहतरीन खाने की चीजें मैं लेके आता हूँ आपके लिए हमेशा। कितना अच्छा काम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कितना अच्छा आदमी हूँ मैं। थैंक यू बोला कीजिए मुझे, शायद आप कभी कभी भूल जाते हैं। कमेंट्स में इमीडिएटली थैंक यू लिख दीजिए ताकि आपको भी बुरा ना लगे, मुझे भी बुरा ना लगे। वैसे मैंने प्लास्टिक पैकेट भी पहना हुआ हाथ के ऊपर, प्लास्टिक ग्लव है जी, और इससे मैं उठाऊंगा काजू और उनको डालूंगा पैकेट में और सर्व करूंगा आपको आपकी शान में। क्योंकि कोलम जो रीजन है ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली रहा है वन ऑफ द फाइनेस्ट कैश्यू प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि जो कोलम के कैश्यूज हैं दे आर एब्सोल्युटली डिलीशियस। तो हमने कहा कि जब लोग इतना बोल ही रहे हैं तो हम जाके चेक भी कर लेते हैं कि भाई इतने स्पेशल क्या हो सकता है। कैश्यू तो कैश्यू होता है, लेकिन जब हम कोलम पहुँचे हमें पता चला कि कैश्यू की अलग ग्रेडिंग्स होती हैं, अलग रेटिंग्स होती हैं, अलग साइज़ होते हैं, अलग टेस्ट होते हैं, अलग तरीके से उन्हें पकाया जाता है, अलग तरीके से उन्हें पॉलिश किया जाता है। पीछे यहाँ पर AM कैश्यूज़ की फैक्ट्री है जो बनाते हैं फाइनेस्ट कैश्यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें पैक करके प्रोसेस करके आगे भेजते हैं। तो हमने कहा जब AM कैश्यूज़ की फैक्ट्री है तो उनकी रिटेल शॉप पर आके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो हम आपको लेके आए हैं शॉप में, और इस टाइम फाइनेस्ट चीज़ें क्या हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ग्रेड करी लीफ कैश्यू, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक करी लीव्स। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि तो आप जानते हैं आपको खिलाने से पहले मैं अपने आप खा के ट्राई करता हूँ, कहीं कुछ ख़राब हो तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। वेरी यूनिक, मैंने आज तक करी लीफ कैश्यूज़ नहीं खाए हैं। और अगर आप पास में देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा एक करी लीफ पाउडर यहाँ पर सारा ग्रीन ग्रीन। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लेवर, स्पाइसी सॉल्टेड कैश्यूज़। ये है ग्रेड ड्राई गार्लिक कैश्यूज़ यहाँ पर, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया। दिस इज़ अ मिक्स कैश्यू विद आमंड्स, कैश्यूज़, वॉलनट्स एंड किशमिश। तो ब्लैक किशमिश यहाँ सुल्तानाज एब्सोल्युटली फैबुलस, एक पूरा टेस्ट है और फुल स्नैक, हेल्दी, गुड फॉर यू। ये है पेपर कैश्यूज़, ये है केरला की फेमस ब्लैक पेपर और इसको प्रोसेस किया गया है कैश्यूज़ के साथ। ट्रूली बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा यूनिक। और ये देखिए ऊपर ड्राई चिली कैश्यूज़, अगेन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। रियल चिली एकदम जो नाक में चढ़ जाती है वो वाली मिर्ची। तो वैरायटीज बहुत हैं कैश्यूज़ की, डिफरेंट प्रोसेस स्टाइल में तो आपको कैश्यूज़ मिल ही जाएंगे। लेकिन जो खास बात है वो है कैश्यूज़ के ग्रेड्स। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग क्वालिटी डिटरमिन होती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमिन होता है। तो ये है ग्रेड बोर्मा, शेल्ड कैश्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं इसके ऊपर अभी भी स्किन इंटैक्ट है इसकी। यहाँ पर ये है ग्रेड W320। सो a good cashew, nice white color, good taste, airs out nicely on processing। 240 अब हम पास आ रहे हैं जैसे जैसे नंबर डाउन हो रहा है। कैश्यू की लेंथ देख रहे हैं आपकी बड़ी हो रही है, ब्यूटीफुल कैश्यूज़ हैं। और फिर फाइनली W180 यानी नंबर वन कैश्यू ओवर हेयर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लंबा कैश्यू है, मच लॉन्गर देन नॉर्मल। इज अ ब्यूटीफुल कैश्यूज़ रिंकल्ड। और इनकी खास बात जब आप एक बाइट लेते हैं तो आपको कैश्यू का रिच टेस्ट तो मिलता है, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर मिठास भी है। वेरी वेरी कंफर्टिंग। और कंफर्ट की जहाँ केरला में ओनम से पहले जैसे आजकल के दिन में बात आती है पाल पायसम, कडला पायसम और कई किस्म के पायसम, सिंपल ब्यूटीफुल डिजर्ट्स। लेकिन एक डिज़र्ट है जो हमेशा से उतना इम्पॉर्टेंट रहा है और आजकल बनने में बहुत ज़्यादा आसान एंड जस्ट एज इफेक्टिव एंड जस्ट एज डिलिशियस एज एवर, और वो है वेकफील्ड इंस्टेंट कस्टर्ड मिक्स 2 मिनट डिजर्ट। बनाने में इतना आसान कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, गारंटी है मेरी। वेकफील्ड इंस्टेंट कस्टर्ड 2 मिनट मिक्स को निकाला, 150 ml मिल्क, ठंडा दूध ये इसमें डाला 150 ml। और ये देखिए दूध एकदम ठंडा है, इट्स नॉट हॉट, इट्स नॉट हीटेड, इट्स एब्सोल्युटली रेगुलर। और फिर इसे व्हिस्क किया 2 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर गई क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, वॉलनट, गूसबेरी और फ्रूट नट बनाने के लिए बनाना एंड ग्रेप्स। और फाइनली है तैयार जैसे पायसम में नट्स डाले जाते हैं, पायसम में बनानास डाले जाते हैं, वैसे ही फ्रूट एंड नट फॉर ऑल द नट्स आउट देयर, इंस्टेंट कस्टर्ड मिक्स, 2 मिनट डिजर्ट। सो गुड, एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल, मज़ा आ गया। इसे इस ओनम सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जहाँ मौका मिले थोड़ी सी इनोवेशन के साथ। 2 मिनट डिजर्ट, व्हाट कैन बी बेटर। ओह सो गुड।